आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम अनुदीप मैम के द्वारा किए जा रहे नवाचार के विषय में उनसे ही जानेंगे और उनके द्वारा किए गए नवाचार से बच्चे किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं उसकी झलक भी आज हम देखेंगे। नमस्कार, मैं अनुदीप प्राथमिक विद्यालय तुरंत से हूँ। हम अपने विद्यालय में छोटे छोटे नवाचार करते हैं, जिसमें एक नवाचार हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि हम प्रार्थना सभा में ही बच्चों को एक टॉपिक दे देते हैं, जैसे कि राजधानी, महीनों के नाम, दिनों के नाम, इस तरीके से उनकी हम छोटी छोटी पर्चियाँ बनाते हैं और उन पर्चियों को हम रख देते हैं। बच्चे अपने आप से आते हैं और पर्चियाँ उठाते हैं, अपना टॉपिक देखते हैं, रीड करते हैं और फिर उस टॉपिक का आंसर करते हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चे ये भी उत्सुकता आती है बच्चों के मन में कि हमारा टॉपिक क्या होगा, आज हमें क्या है? हमारे विद्यालय में सभी बच्चे प्रतिभाग भी करते हैं और बहुत हद तक अपने जो टॉपिक आते हैं उन्हें क्लियर भी करते हैं। और इसके साथ हमें फ़ायदा ये हुआ है कि जैसे 28 राज्य हैं उनकी राजधानियाँ, केंद्र शासित राज्य हैं उनकी राजधानियाँ, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन, ये सब टॉपिक बच्चों के इजीली क्लियर हो गए हैं। उनके साथ हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने इन बच्चों को सभी को एक एक टॉपिक दिया है। ये बच्चे अपना टॉपिक रीड करेंगे आपके सामने और जो उस टॉपिक का आंसर होगा वो आप सबको बताएंगे। आप सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, ठीक है बच्चों? हाउ मैनी डेज इन दिसंबर मंथ? दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं? 31। राजधानी बताओ। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। राजधानी बताओ। गुजरात गांधीनगर, पंजाब चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश लखनऊ, मणिपुर इम्फाल। राजधानी बताओ। केरल तिरुवनंतपुरम, मणिपुर इम्फाल, तमिलनाडु चेन्नई, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। विच मंथ कम्स आफ्टर जुलाई? जुलाई के बाद कौन सा आता है महीना जुलाई के बाद? अगस्त। अगस्त की स्पेलिंग बताओ। AUGUST। हाउ मैनी डेज इन ए वीक? एक सप्ताह में, यानी के एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। Which month comes between मई and जुलाई? बच्चे इसका मतलब है मई और जुलाई के बीच क्या आता है? जून। Very good। सामने